So hello everyone and welcome to another video of Total English. Dear students, in the previous video we discussed the poem Dust of Snow. So Dust of Snow में हमने poem के explanation को देखा था, उसके figure of speech जो कौन कौन से use किए गए थे उसमें, क्या क्या theme था and what was the rhyming scheme. So इन सब बातों को हमने चर्चा की थी. अगर आपने वो video नहीं देखा है so the link is given in the description or you can click on the I button. So वहां पर भी आपको वो दिख जाएगा. सो टुडे इन दिस वीडियो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में ही हम लोग देखेंगे, बट टुडे विल सी द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन इन द बुक एंड विच आर नॉट गिवन इन द बुक एज वेल. क्योंकि जो बुकिश जो क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड होना काफी नहीं है, कुछ खुद से भी क्वेश्चन खोज के उसे करने पड़ते हैं, लाइक इंटरनल क्वेश्चन दैट आर कॉल्ड. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम लोग जो बुक में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं. देर आर बेसिकली 3 क्वेश्चंस, तो इसको पहले देख लेते हैं फिर हम लोग कुछ इंटरनल क्वेश्चंस को भी देखेंगे. फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए हैं. सो अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 या 3 क्वेश्चन साथ में हो, सो आई ऑलवेज से टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट एज यू कंप्लीट द फर्स्ट आंसर यू नीड टू चेंज द पैराग्राफ व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द सेकंड आंसर एंड यू द सेम थिंग यू विल गो ऑन. मीन्स अगर तीसरा भी लिखना हो तो दूसरे वाले के बाद एक बार फिर से पैरा चेंज करोगे. सो दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग. ओके, यहां पर 3 क्वेश्चन है तो पहले देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो जो कि टाइटल है, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है. सो यू नो दैट स्नो इज मेड अप ऑफ अ वेरी फाइन पार्टिकल, बिल्कुल सैंड के जैसा, वो डस्ट के जैसा होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी फाइन पार्टिकल. तो उस पार्टिकल से जो बना होता है दैट इज ऑलमोस्ट वेरी टाइनी एंड दैट लुक्स लाइक डस्ट. ठीक है, बहुत टाइनी होता है बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो. इज इट क्लियर. सो इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. पोएट का मूड इसमें चेंज हो जाता है तो क्यों होता है. व्हाट मतलब वो क्या रीजन है. ठीक है, क्या वो चीज है जिसके चलते पोएट का मूड चेंज हो जा रहा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो जो गिर रहा है पोएट के ऊपर, एंड डस्ट ऑफ स्नो कैसे गिर रहा है, बिकॉज सडनली अ क्रो कम्स एंड इट शेक्स द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री. स्नो वॉज कलेक्टेड. ओके, नेचुरली इट गेट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. यूरोपियन कंट्रीज में बेसिकली आप देख सकते हैं कि जब विंटर सीजन होता है तो ट्रीज के ऊपर वो बर्फ की एक चादर पड़ जाती है. अगर कोई बर्ड आके उसे हिला के चला जाए तो क्या होगा कि वो फॉल हो जाएगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट एंड इट चेंज द मूड. ठीक है, तो यही रीजन हो जाएगा. सो यू ट्राई टू आंसर दिस इन अ वेरी शॉर्टर वे. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज. तो पोएट का मूड कैसे चेंज हो जा रहा है, तो हाउ. तो पहले ये कहेंगे कि पहले वो एक सोरोफुल मूड में है, सिटिंग बीनीथ द ट्री एंड ही इज इन अ सोरोफुल मूड एंड बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ दैट डस्ट ऑफ स्नो हिज मूड गेट्स चेंज. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. फ्रॉस्ट ने इस कविता में नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस प्रकार से दिखाया है. ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. मतलब ये एक सवाल है, इसके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, उससे कुछ हिंट मिल सके ताकि इसको पॉइंट वाइज दिया गया है. ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में फिर पॉइंट वाइज ऐसे करके ये दिखाया गया है यहां पर. ठीक है, सो हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे यहां पर प्रेजेंट किया है. सो इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था अच्छे से कि बहुत से नेचर पोएम्स लिखे गए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद कई पोएम्स लिखे होंगे और अदर पोएट ने भी लिखे. सो बेसिकली द पोएट दे वॉन्ट टू शो द ब्यूटी ऑफ नेचर टू द रीडर्स सो दैट वेन दे रीड इट they feel really relaxed, comfortable. Okay, they feel good. Okay, a good sense, a good kind of feeling should come. That is the purpose of writing a nature poem basically. But here he has picked some inauspicious objects. Inauspicious जिसे हम हिंदी में अपशगुन भी कहते हैं, जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, like a crow.
Crow is not considered as a very beautiful creature made by God. Same thing goes with that hemlock tree. Hemlock tree is also not considered as a very beautiful creation of God. But there are some other trees as well. So, poet चाहते तो उन सब को भी pick करके यहाँ पर show कर सकते थे. But he didn't do that. तो उन्होंने कुछ normal चीजों को pick किया है, कुछ ऐसे चीजों को pick किया है जो कि inauspicious माना जाता है. But he used these objects as the medium which helped him in his change of mood. ये वही चीज है जो कि हम जिसे हम बहुत normal, बहुत हल्के लेते हैं और बहुत inauspicious मानते हैं, बट ये चीज अगर पोएट के मूड को चेंज करके निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी बिट ऑफ नेचर इज ब्यूटिफुल. नेचर का हर चीज, बनाया हुआ चीज, वो खूबसूरत है और वो अच्छाई फैला सकता है और वो पॉजिटिविटी ला सकता है. ठीक है, ये बस हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक मीडियम, एक तरीका है. सो इन दिस वे ही हैज प्रेजेंटेड नेचर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक. तो इसमें भी तीन क्वेश्चन दिए गए हैं. पॉइंट नंबर वन इज, वट आर द वर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन द पोएम्स. डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? वट इमेजेस कम टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स? तो कौन से बर्ड्स होते हैं जो कि पोएम्स में यूजली यूज किए जाते हैं? सो दीज आर द बर्ड्स विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, लाइक पैरट, नाइटेंगल. ठीक है, तो इन टाइप पिकक. सो इस टाइप के बर्ड को बेसिकली अक्सर पोएम्स में यूज किया जाता है. सो इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? तो क्रो बहुत कम ही ऐसा पोएम्स में दिखाया गया हो सकता है किसी और पर्पज के लिए मे बी यूज किया गया हो, बट टू शो द ब्यूटी ऑफ नेचर क्रो इज नेवर यूज बाई एनी पोएट. देन देर इज क्वेश्चन, वट इमेजेस कम टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो वट काइंड ऑफ इमेजेस कम टू योर माइंड? ओके, सो क्रो को जब भी देखते हैं तो हमें ये इमेजिनेशन होता है कि दैट क्रो हैज अ वेरी श्रील काइंड ऑफ साउंड. क्रो जब भी उसका साउंड जो बहुत श्रील है, बहुत बेसुरा है, तो वी ऑफन फील वेरी इरिटेटेड. ओके, सो इसी टाइप के थॉट्स आते हैं. ठीक है, और उसे हम बहुत अच्छा भी नहीं मानते, वी कॉल इट इनऑस्पिशियस. ओके, सो यही लिख सकते हैं हम लोग. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन, वट इज अ हेमलॉक ट्री? वाई डजेंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मैपल, ओक, पाइन? बहुत से खूबसूरत पेड़ है जैसे कि मैपल, ओक, पाइन, इनके बारे में नहीं लिख के पोएट ने हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा? तो ये तो अभी हमने पढ़ लिया, समझ लिया है कि हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा गया है. तो हेमलॉक ट्री जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल सा एक एलिमेंट ऑफ नेचर है जो कि इनऑस्पिशियस माना जाता है, तो इसे भी ब्यूटीफुल माना गया है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दैट्स वाई ही पिक हेमलॉक ट्री. ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आई एम रीडिंग द थर्ड ऑफ टू. ओके, थर्ड ऑफ टू, वट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? वट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सौरो. फिर से जो दो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसको मिला के पूछा गया है, तो इसको घुमा फिरा के वही चीज लिखना है. तो पूछा जा रहा है क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सौरो. ऑप्शन भी दे दिया गया है, तो बेसिकली सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको सौरो. सौरो होगा यहाँ पर. वट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पे क्या मीनिंग है, किस लिए उसको यूज किया गया है? तो डस्ट ऑफ स्नो इज यूज एज ए मीडियम, एक माध्यम है, एक मीडियम है जो कि पोएट के मूड को चेंज कर रहा है. ठीक है, स्नो भी एलिमेंट का ही, नेचर का ही एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है बुक का. हैव देयर बीन टाइम्स वेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? तो यहां पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा गया है. तो ये जो क्वेश्चन है ये पोएम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि पूछा था हैव देयर बीन टाइम्स वेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कभी डिप्रेस्ड या होपलेस फील किया हो? और कहा जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फिर उसके बाद आप कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद आपका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया हो? तो ये तो आपके अपने एक्सपीरियंस के बारे में है. सो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बिल्कुल अटेम्प्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज ये एक सिचुएशन पे क्वेश्चन है. एक सिचुएशन दिया गया है, उस पर हमें लिखना है अपने थिंकिंग को लेकर, अपने थॉट को दिखाना है कि व्हाट इज योर वे ऑफ राइटिंग. यहाँ पर राइटिंग स्किल को शो करना है. सो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट दीज आर हेल्पफुल बिकॉज इट कैन हेल्प यू इन मेकिंग योर राइटिंग स्किल बेटर. राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है.
Okay. So now that was all from the book. Now there are some other questions. Okay. Which can be asked. I am not telling that this will only come, but this is just a way to show you how you can make questions of your own. कैसे आप खुद से अपने क्वेश्चन बना सकते हैं, इंटरनल क्वेश्चन, ठीक है? सो एज मेनी क्वेश्चन एज मच यू वॉन्ट. तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स माइंड. क्रो ने पोएट्स माइंड को कैसे चेंज कर दिया, तो लिख सकते हैं इसको कि क्रो, हाउ वॉज क्रो रिस्पॉन्सिबल. सो पूरे के पूरे इंसिडेंट को बता देना है, क्रो ने क्या किया, उसके बाद पोएट के साथ क्या हुआ, फिर कैसे उसका मूड चेंज हो गया. सो इन दिस वे यू विल आंसर इट. बस चीजों को घुमा के पूछा जाता है, मतलब आपने पोएम को पढ़ लिया है, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया, अब उसी को तोड़ तोड़ के या किसी का एक अंदर से एक लाइन पूछ दिया जाए या घुमा के पूछ दिया जाए, उसी बात को अलग वे में अलग तरीके से पूछ दिया जाए, यही होता है इंटरनल क्वेश्चंस. और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. घबराने वाली बात कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट इज, हाउ डिड द पोएट रिएक्ट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स एट हिम. जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है पोएट के ऊपर, तब पोएट किस प्रकार रिएक्ट करते हैं. सो पोएट उसको अच्छा मानते हैं, बिल्कुल भी खराब रिएक्ट नहीं करते हैं, और इससे उनका मूड चेंज हो जाता है फ्रॉम सोरो टू जॉय. सोरोफुल मूड से जॉयफुल मूड में वो चले जाते हैं. सो इन दिस वे ही रिएक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट इज, व्हाई डज द पोएट फील दैट ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे. पोएट को ऐसा क्यों लगता है आखिर में कि उनका दिन का कुछ हिस्सा बच गया. हम कहते हैं कि अगर हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो हम कहते हैं कि दिन वेस्ट हो गया, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू इन द डे. तो दिन में वैसा काम कर रहे तो उसको हम लोग कहते हैं कि दिन वेस्ट हो गया. लेकिन अगर हम उसी काम को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में करें, फ्रूटफुल वे में यूज करें, यूटिलाइज करें, तो हम कह सकते हैं दैट वी हैव यूज द डे. सो एज हिज मूड चेंज फ्रॉम सोरोफुल टू जॉयफुल, ही बिकेम फ्रॉम हैप्पी टू ही चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. सो दैट्स वाई एज नाउ ही इज हैप्पी, सो ही कैन यूज द रिमेनिंग डे बाय डूइंग सम अदर वर्क. सो दैट्स वाई ही सेज दैट सम ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे. अनदर क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम पोएम लाइक व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स. यू जस्ट मेंशन सम ऑफ द राइमिंग वर्ड्स. तो राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि जो हर लाइन के एंड में वर्ड्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है, ठीक है? दोज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. लाइक यहाँ पे हमने राइम स्कीम की बात की थी पिछले वीडियो में. राइम स्कीम वॉज ए बी ए बी सी डी सी डी. इसमें जैसे क्रो स्नो, तो क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं. मी ट्री, दीज आर साउंडिंग सिमिलर, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स. What is the title of the poem? ऐसे पूछा जाए, या फिर justify the title Dust of Snow. So Dust of Snow से title इसलिए बना है क्योंकि पूरा का पूरा जो poet है, poet का mood change हो रहा है. All that has happened, that has happened because of the Dust of Snow. So Dust of Snow central कह सकते हैं, इसका एक center है poem का. इसलिए ये एक title, एक suitable title है, ठीक है? ये जो title है एक appropriate title है. इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे. अगेन थीम, तो थीम को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है? अनदर क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पोएट कहां खड़े थे और उनके साथ क्या हुआ. सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी मेनी अ टाइम्स. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको लोग कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो जाए तो ट्रिकी है, समझ में आ जाए तो इजी है. तो ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का पूछा जा सकता है. हो सकता है कि पोएम का एक लाइन पिक करके दिया जाए, कोई भी दो स्टैंजा में से कोई भी एक लाइन या एक फ्रेज पिक करके दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको एक्सप्लेन करो. तो ये क्वेश्चन का स्कोप है बनने का. और कोई कहावत जो कि उस स्टोरी से, उस पोएम से रिलेट करती हो, उस कहावत को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए. जैसे कि सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी सिग्निफिकेंट. सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी सिग्निफिकेंट. डिस्क्राइब द लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो से इस लाइन को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग. तो कहा जा रहा सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी सिग्निफिकेंट. जो छोटी मोटी चीजें होती, छोटी मोटी पल होते हैं, आम पल होते हैं, वो भी कभी बड़े बड़े काम कर सकते हैं. जैसे कि यहां पर
एक इंसान एक हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो और क्रो से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर वही सिंपल चीजें, सिंपल मोमेंट ने एक सिग्निफिकेंट चेंज ले आया। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ले आए पोएट के माइंड में। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन मेक सम मोर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर चैप्टर, मे बी द पोएम फायर एंड आइस और द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन दोनों में से कोई एक करेंगे। और हम लोग आने वाले क्लासेस में ग्रामर पे भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, मे बी ऑन प्रेपोजिशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ अस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। इफ देर इज स्टिल एनी प्रॉब्लम, इफ देर इज स्टिल एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल टू मी दैट सर दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई विल मेक यू एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, so thank you so much, take care.